स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किसी भी सीलिंग फैन का जो हमारा बाइंडिंग होता है उसको हम एक मल्टीमीटर के द्वारा किस तरह से पहचान सकते हैं कि कौन सा बाइंडिंग हमारा स्टार्टिंग का है और कौन सा रनिंग का। जैसा कि आप यहाँ पर ये स्टेटर देख रहे हैं, इसमें हमारे दो तरह की बाइंडिंग होते हैं, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग होता है, एक रनिंग बाइंडिंग होता है। तो इस बाइंडिंग को हम एक मल्टीमीटर के द्वारा किस तरह से पहचान सकते हैं कि कौन सा बाइंडिंग का लीड हमारा स्टार्टिंग का है, कौन सा रनिंग का, इसी के ऊपर आज की ये वीडियो हमारी होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो स्टेटर आप देख रहे हैं, ये तो हमारा खुला हुआ है, इसमें तो आप आसानी से देखकर भी पता कर सकते हैं कौन सा लीड हमारा स्टार्टिंग के लिए निकला है, कौन सा रनिंग के लिए। तो पहले तो हम यही चेक करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम तीन वायर वाला एक फैन में जो स्टेटर हमारा सेट है उसका भी आपको तरीका बताएंगे किस तरह से उसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा कॉमन वायर है और कौन सा स्टार्टिंग का है, कौन सा रनिंग का है। तो देखिए, सबसे पहले हम ओपन सर्किट इसका आपको एक एक सर्किट का रेजिस्टेंस चेक कराते हैं। तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए आपको इस तरह से मल्टीमीटर को वजर रेंज पे आपको सेट कर लेना है। जैसा कि देखिए, यहाँ पर ये मल्टीमीटर हमारा सेट है। तो पहले देखिए इस वाइंडिंग को हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इस वाइंडिंग को जब हम चेक करें तो हमारा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आ रहा है वो 206 वैल्यू आ रहा है। ये हमारा सर्किट है अंदर वाला स्टार्टिंग का। अब रनिंग वाला हमारा जो सर्किट है वो रेड कलर का, इसका लीड निकला हुआ है। इसका जब हम चेक करते हैं तो इसका जो वैल्यू दिखा रहा है हमें 268 वैल्यू, यहाँ पर आ रहा है 206 और इसका 268। तो इसका जो वैल्यू है हमारा स्टार्टिंग का वो हमेशा कम रहेगा सीलिंग फैन में, और जो रनिंग का वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से ये तो हो गई सर्किट बाई सर्किट इसकी रेजिस्टेंस। अब हम कॉमन किस तरह से बनाते हैं। कॉमन बनाने के लिए हम इस तरह से करते हैं, एक स्टार्टिंग एक रनिंग का दोनों वायर को आपस में इस तरह से जॉइंट कर देते हैं। अब ये दो वायर हमारे बच्चे, ये हम कैपेसिटर पर लगाते हैं। अब हमारा कॉमन वायर ये हो गया। अब इसमें हमें पहचानना है कि कौन सा हमें रनिंग का है, कौन सा स्टार्टिंग का। तो देखिए, जहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा वो वायर हमारा रनिंग का होगा। यहाँ पर आप रेजिस्टेंस देखिए, रेड कलर पे, रेड लीड पे 268 है हमारा, यहाँ पर देखिए आप 206 रेजिस्टेंस है। तो हमारा रनिंग का जो वायर लगेगा, एक तो हमारा मेन सप्लाई का वायर यहाँ पे लगेगा, इस पर दो कैपेसिटर के वायर लगेंगे। वायर लगने के बाद रनिंग का हमारा जो वायर होगा वो इस पर कनेक्शन होगा। एक वायर हमारा सप्लाई का यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से इसमें ये हो गया, ठीक है। अब हम तीन वायर वाला कवर में सेट किया हुआ पंखा आप लोगों को चेक करके दिखाते हैं कि किस तरह से उसका भी रेजिस्टेंस हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो देखिए, एक स्टेटर एक फ़ैन हमारे पास ये कवर में सेट है, और इसमें जो कनेक्शन निकले हुए हैं इसके तीन वायर वाले कनेक्शन है। अब इसमें हमें कुछ नहीं पता है कि कौन सा हमारा कॉमन है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है। तो इसका देखिए हम फाइंड आउट कर चेक करके आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम चेक करते हैं, मेनली जो हमारा कॉमन वायर होता है वो रेड कलर का ही निकालते हैं ज़्यादातर, और इस पे रेड पे लगाते हैं हम एक लीड को और फिर ब्लैक पे। तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये हमारा कॉमन वायर नहीं है रेड वाला। अब हम येलो वायर है हमारा, उस पर लगा कर देखते हैं। इस पर देखिए हमारा रेजिस्टेंस जो वैल्यू जो आ रहा है वो 229 आ रहा है, 229.28 इस तरह से। अब हम एक प्रोब इसी पर लगी रहने देंगे पीले वायर पर, और दूसरा हम रेड पर लगाते हैं। यहाँ पर देखिए अब रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है हमारी 260 और 259 आ रही है। अब हमें ये तो ज्ञात हो गया कि हमारा ये जो वायर है ये कॉमन है हमारा, ठीक है। अब हमें स्टार्टिंग रनिंग कम वैल्यू, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो हमारा रनिंग का होगा, जिसकी वैल्यू हमारी कम होगी वो हमारा स्टार्टिंग का होगा, ये हमें चेक करना है। तो देखिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू है 229, इसकी जो वैल्यू है वो है हमारी 260। तो मतलब हमारा कॉमन वायर ये हो गया, रनिंग का वायर हमारा ये हो गया, स्टार्टिंग का वायर ये हो गया। तो हमारे जो कनेक्शन होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, ये हमारा कॉमन वायर रहेगा, एक मेन सप्लाई का वायर इस पर कनेक्ट होगा, इन दोनों वायर पर हमारा कैपेसिटर लगेगा, और एक वायर इस पर सप्लाई होगा, एक वायर सप्लाई का इस पर लगेगा। तो इस तरह से हम किसी भी फैन का स्टार्टिंग और रनिंग मल्टीमीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।